अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर बायोलॉजी लेक्चर। और आज की इस वीडियो के अंदर हम एनिमल लाइक प्रोटिस्ट में एक स्पेसिफिक ग्रुप है जिन्हें सिलिएट्स कहा जाता है, उसे डिस्कस करेंगे। एनिमल लाइक प्रोटिस्ट जिन्हें प्रोटोजोआ भी कहा जाता है, उन्हें फर्दर ग्रुपिंग में डाला गया। और ये ग्रुपिंग ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गन है, यानी कोई ऑर्गेनिज्म कैसे मूव करता है। सो मूवमेंट की सिमिलैरिटीज़ के बेस पर ऑर्गेनिज्म को कुछ ग्रुपिंग में डाला गया है प्रोटिस्ट के अंदर, स्पेसिफिकली एनिमल लाइक प्रोटिस्ट जिन्हें प्रोटोजोआ कहा जाता है। सो सिलिएट्स आर द ऑर्गेनिज्म विच आर करेक्टराइज by the presence of hair-like bodies called cilia. Ciliates ऐसे organism हैं जो कि cilia की presence की वजह से ciliates कहलाते हैं। cilia क्या है? एक hair-like projection है, hair-like body है, hair-like structure है जो इन organism की body के ऊपर present होती है, जिसकी वजह से ये move भी करते हैं। So general characteristics देखते हैं कि कौन कौन सी इनकी general characteristics हैं। सबसे पहले habitat आ जाती है, यानी इनकी place of living क्या है, ये कहाँ पर रहते हैं। फ्रेश वाटर में जो आपको मिलेंगे, पॉन्ड्स में जो तालाब होते हैं वहाँ पर मिलेंगे, रिवर्स वगैरह दरियाओं में होते हैं, लेक्स में जो झीलें होती हैं वहाँ ये प्रेजेंट होते हैं, एंड डैम्प सॉइल में भी, नम मट्टी में भी आपको समटाइम ये प्रेजेंट मिलेंगे। लोकोमोटरी ऑर्गन की बात करें तो डेफिनेटली ये सिलिएट्स हैं, तो इनका लोकोमोटरी ऑर्गन क्या होगा? सिलिया होगा। और सिलिया क्या है? हेयर लाइक प्रोजेक्शंस को बोलते हैं, हेयर लाइक बॉडीज, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स को सिलिया कहा जाता है। यहाँ पर एग्जांपल में आप देख लें, ये डायग्राम मैंने बनाई हुई है, ये एक सिलिया है, ठीक है। और सिलिया मूव कैसे करती है? बैक एंड फोर्थ बीटिंग करती है, ठीक है। यानी पहले ये यहाँ मूव होगी, फिर यहाँ मूव होगी, तो इसकी मूवमेंट की वजह से ऑर्गेनिज्म जो हैं जिनकी बॉडी के ऊपर सिलिया प्रेजेंट है वो मूव करते हैं। नाउ ये जो सिलिया की मूवमेंट है ये बड़ी ऑर्गेनाइज्ड होती है, ये रिदम में ये मूवमेंट होती है। ऐसा नहीं है कि एक सिलिया एक साइड पे मूव कर रहा है, दूसरा दूसरी साइड पे मूव कर रहा है, तो ऐसे ये मूवमेंट नहीं करते। ये ऑर्गेनाइज्ड वे में मूवमेंट करते हैं, यानी सारे सिलिया इस तरफ जाएंगे तो फिर ऐसे धकेलेंगे तो ऑर्गेनिज्म मूव करेगा, ठीक है। तो एक रिदम में इनकी मूवमेंट होती है। ओके, अब हम चलते हैं न्यूट्रिशन की तरफ। ये अपनी खुराक कहाँ से हासिल करते हैं? दे आर हेटरोट्रॉफिक। ये क्या है? हेटरोट्रॉफिक है, अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते, दूसरे रिसोर्सेज पर रिलाई करते हैं। सो मोस्टली ये आपको फ्री लिविंग मिलेंगे, यानी खुराक को, शिकार को पकड़ेंगे, खाएंगे और उससे अपनी एनर्जी जनरेट करेंगे, और इसकी एग्जांपल है पैरामीशियम। इसके अलावा कुछ आपको पैरासाइट भी मिलेंगे जो कि डिपेंड करते हैं दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पर फॉर देयर न्यूट्रिशन, और इसकी एग्जांपल है ब्लेंटीडियम कोलाए। ये आपके इंटेस्टाइन में ये प्रोटिस्ट प्रेजेंट होता है और ये डिजीज़ काज करता है, ब्लेंटीडियासिस डिजीज़ होती है, जिसमें एब्डोमिनल क्रैम्प्स होते हैं, डायरिया वगैरह होते हैं सिम्टम इसके। रिप्रोडक्शन की तरफ चलते हैं कि सिलिएट्स कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, अपनी नंबरिंग कैसे इंक्रीज करते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी इनमें होती है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है वो ट्रांसवर्स फिशन के जरिए होती है। ट्रांसवर्स फिशन एक टाइप है बाइनरी फिशन की, जिसमें ऑर्गेनिज्म लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के बजाय वर्टिकल एक्सिस में ये डिवाइड होता है, यानी जो इसका सरफेस एरिया जहाँ से कम होता है इन बिटवीन, वहाँ से ये डिवाइड होता है, यानी ऐसे लॉन्गिट्यूडनली ये डिवाइड नहीं होगा, इस तरीके से ट्रांसवर्सली डिवाइड होगा, इसलिए ऐसे ट्रांसवर्स फिशन कहा जाता है। इसके अलावा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी इसमें आपको देखने को मिलेगी, जो कि कंजुगेशन के जरिए होती है। कंजुगेशन आप जानते हैं, दो सेल्स या दो लिविंग ऑर्गेनिज्म कम क्लोज होते हैं, एक दूसरे के करीब आते हैं, ठीक है, एक पैसेज बनता है, आपस में जुड़ते हैं और डीएनए की एक्सचेंज होती है। डीएनए की एक्सचेंज होने के बाद फिर अलग होते और दोबारा से बाइनरी फिशन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो भी मेथड है उससे वो डिवाइड होते हैं। सो दैट्स हाउ द रिप्रोडक्शन इन पैरामीशियम और इन सिलिएट्स अकर। ओके, इसके अलावा इन ऑर्गेनिज्म में आपको कुछ थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर्स भी नजर आएंगे, उन्हें डिस्कस करते हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, इन ऑर्गेनिज्म में आपको कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल भी नजर आएगा, जो कि स्पेसिफिक टाइप का ऑर्गेनली है, यहाँ पर आपको नजर आ रहा है। दरमियान में एक सेंट्रल वैक्यूल होता है और साथ में रेडिएटिंग कैनाल्स और रेडिएटिंग वैक्यूल्स होते हैं और स्टार लाइक स्ट्रक्चर बनी होती है, इन्हें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल बोलते हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल नाम से जाहिर है कि ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, रिलैक्स कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से ये वाटर बैलेंस जो है सेल में मेंटेन रखते हैं, यानी सेल के अंदर वाटर बहुत ज़्यादा हो चुका है तो ये कॉन्ट्रैक्ट करके वो एक्स्ट्रा वाटर को सेल से बाहर भेजते हैं, जिसकी वजह से जो ऑस्मो रेगुलेशन है, वाटर बैलेंस है बॉडी के अंदर, वो मेंटेन रहता है। सो दे आर हेल्पफुल फॉर द कंट्रोल ऑफ वाटर बैलेंस, जिसे हम ऑस्मो रेगुलेशन बोलते हैं। ओके, इसके अलावा एक और स्ट्रक्चर इनकी बॉडी में प्रेजेंट होती है जो आपको यूजली और लिविंग ऑर्गेनिज्म में नज़र नहीं आएगी, जिसे पेलिकल कहा जाता है। पेलिकल क्या है? थिन लेयर ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट बिलो द सेल मेम्ब्रेन विच गिव अ डेफिनेट चेंजेबल शेप टू सम प्रोटोजोआ।
ये लेयर होती है प्रोटीन की, और ये सेल मेम्ब्रेन की इनसाइड प्रेजेंट होती है, यानी सेल वाल की तरह बाहर नहीं प्रेजेंट होती बल्कि सेल मेम्ब्रेन के साथ जुड़ी हुई अंदर वाली साइड पे प्रेजेंट होती है। इसका फंक्शन क्या होता है कि ये सेल को एक स्पेसिफिक शेप देती है, बट इस शेप को चेंज करने में भी हेल्पफुल होती है। सम टाइम इन ऑर्गेनिज्म को बहुत पतले सुराखों से पास होना पड़ता है, तो ये पेलिकल की प्रेजेंस की वजह से ये अपनी शेप को थोड़ा बहुत चेंज करके पतला करके उस शेप से निकल जाते हैं और बाहर जाके दोबारा से शेप मेंटेन कर लेते हैं। सो पेलिकल इस तरीके से इन्हें थोड़ी बहुत चेंजेबल शेप भी देती है। ओके, अब हम ज़रा डायग्राम देख लेते हैं पैरामीशियम की। सो पैरामीशियम डेफिनेटली एक सिंगल यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इसकी बॉडी के अंदर सारे ऑर्गेनली प्रेजेंट होंगे, इसलिए वो मैंने मेंशन नहीं किए। सो ये एक सेल है इस तरीके से एलोंगेटेड सी, इसकी यूजली स्ट्रक्चर होती है, बट ये थोड़ी बहुत चेंज भी करते हैं स्ट्रक्चर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पेलिकल, और इसकी बॉडी के ऊपर, इनकी बॉडी के ऊपर आपको सिलियां मिलेंगे जिसकी वजह से ये मूव करते हैं। फिर पेलिकल जो मैंने आपको बताया सेल मेम्ब्रेन के इनसाइड एक लेयर है। ओके, फिर यहाँ पर आपको एक स्ट्रक्चर नज़र आएगी इन्वेजिनेट हुई, अंदर को घुसी हुई स्ट्रक्चर जो कि माउथ की अपीयरेंस देगी, इसे साइटोस्टोम बोलते हैं। यहाँ से ये जो ऑर्गेनिज्म है पैरामीशियम वगैरह यहाँ से ईटिंग करते हैं, ठीक है, यहाँ से फूड इनकी बॉडी के अंदर इंजेक्ट होता है, इंटर होता है। फिर इसके अलावा एक और स्ट्रक्चर होती है थोड़ी सी, एक और इन्वेजिनेशन होती है इनकी बॉडी के अंदर जिसे साइटोपाइज कहा जाता है, और ये एनस की तरह एक्ट करती है, यानी यहाँ से जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हैं वो बॉडी से बाहर निकलते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता चुका हूं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं जो कि ऑस्मोरेगुलेशन में हेल्पफुल होते हैं, और इसके अलावा इसमें दो न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एक होता है मैक्रो न्यूक्लियस और एक होता है माइक्रो न्यूक्लियस। मैक्रो मीन जो थोड़ा साइज में लार्ज होता है, और माइक्रो मीन जो साइज में छोटा होता है। माइक्रो न्यूक्लियस जो है ये इनको हेल्प करता है इन रिप्रोडक्शन, यानी जब ये नंबरिंग इंक्रीज कर रहे होते हैं तो इन्फॉर्मेशन माइक्रो न्यूक्लियस से आती है कि आप इस सेल ने डिवाइड होना है। इसके अलावा बाकी जितनी भी सेलुलर एक्टिविटीज़ हैं, मेटाबोलिज्म है, प्रोटीन सिंथेसिस है, जो भी हो रही होती हैं वो सारी मैक्रो न्यूक्लियस कंट्रोल कर रहा होता है। और आपको पता है न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होते हैं जिसके पास इंफॉर्मेशन होती है फॉर ऑल द एक्टिविटी टू वर्क। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर, होपफुली आपको लेक्चर समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाजत है, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।